उल्लासनगर 3 स्थित चोटीवाला हॉस्पिटल में मेगा नी कैंप का आयोजन किया गया, जहां पर कई लोगों ने इस कैंप का लाभ लिया। आइए देखते हैं। मैं डॉक्टर राजू नाथानी, चोटीवाला हॉस्पिटल उल्लासनगर की तरफ से। हम लोगों ने आज यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद के साथ मिलके ऑर्थोपेडिक का नी प्रॉब्लम से रिलेटेड एक कैंप रखा है, जिसमें आज हमारे साथ मुलुंद के फेमस डॉक्टर सचिन वंसले आज हमारे साथ हैं, जो इस कैंप में पेशेंट को अच्छी तरह से एग्जामिन करने वाले हैं और जिन पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट वगैरह का ज़रूरत होगा उनको उस तरह से सलाह देने वाले हैं। इस कैंप में लगभग आज 70 से ज़्यादा पेशेंट लोग रजिस्टर्ड हैं और डॉक्टर भोसले सब पेशेंट को देख के ही फिर यहाँ से जाने वाले हैं, भले चाहे कितनी भी लेट हो जाए। इस कैंप को यहाँ पे रखने का मेन उद्देश्य ये था कि जो पेशेंट्स यहाँ से बॉम्बे तक रेगुलरली अप डाउन नहीं कर पाते हैं और जिनको छोटे छोटे कंसल्टेशन के लिए या छोटी छोटी क्वेरीज के लिए बॉम्बे तक जाना पड़ता है, उनके वो सब प्रॉब्लम हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे। जिन पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत रहेगी, उनको नी रिप्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में बेसिक जानकारी देना, उसका खर्चे हॉस्पिटल में कितने आएंगे, अगर उनको मेडिक्लेम में ये सर्जरी हो रही है तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब बेसिक फॉर्मेलिटीज़ यहीं पे पूरी कर ली जाएंगी और उसके बाद उनको फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि वहाँ पे वो अच्छी तरह से बिना किसी ज़्यादा हैसल के पेपर वर्क के वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन भोसले, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ। आजकल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, उसके हिसाब से काफ़ी सारे बोन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें आते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम है घुटने का, हमारे घुटने घिसने लगते हैं। हम आजकल देख रहे हैं कि 40s, 50s, 60s में काफ़ी सारे लोगों में घुटने घिसने का प्रॉब्लम, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस नी बोलते हैं, वो होना कॉमन हो गया है। अभी जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो इतनी एडवांस्ड हो गई है कि जो लोगों का पूरा घुटना घिस चुका है, हम उसको मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से पूरा घुटना बदली कर सकते हैं। जिनका सिर्फ आधा घुटना घिस गया है उनका सिर्फ आधा घुटना रिप्लेस कर सकते हैं। जो लोग इतने नॉर्मल हो जाते हैं कि देख के पता नहीं चलता है कि उनका कोई सर्जरी हुआ है, एक बार सर्जरी हो जाता है तो उनको 15-20 साल उसका पेन रिलीफ और नॉर्मल मोबिलिटी मिलता है। और ये सब सुविधा हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में है और हम स्पेशली आज नाथानी सर के हॉस्पिटल में इसलिए आए हैं कि उल्लासनगर के लोग इसका फ़ायदा उठा सके और हम उनको हेल्प कर सके। धन्यवाद। आपको कोई प्रश्न है सर से? कंसेप्शन है कि ये इतनी ओल्ड एज में ये ऑपरेशन कैसे कराया जाएगा, और कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट बिल्कुल ही बैठ जाएगा और चलने फिरने में भी उसको आगे चल के तकलीफ होगी, ये बहुत से लोगों की धारणा, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारे पास जो भी पेशेंट आता है कोई भी ऑपरेशन से डरा हुआ होता है। ओके, पेशेंट को लगता है कि भाई अभी हमारी उम्र हो चुकी है, हमें डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऑपरेशन कैसे होगा, ऑपरेशन में हमें खतरा है क्या? लेकिन हम ये ऑपरेशन के पहले कुछ कुछ टेस्ट करते हैं, खून की जांच, एक्सरे, चेस्ट, ECG, हार्ट का चेकअप होता है। इसमें हमें ये पता चलाना होता है कि भाई ऑपरेशन से कोई जान को खतरा है क्या। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को कोई थोड़ा बहुत हार्ट का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहता है, उसको कंट्रोल करने के बाद में पेशेंट को विदाउट रिस्क ऑपरेशन करना पॉसिबल होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पेशेंट का प्री ऑपरेटिव टेस्ट अच्छी तरह से करके ऑपरेशन करते हैं उसका सक्सेस रेट 97% के ऊपर होता है। मतलब हम पेशेंट को ये कॉन्फिडेंटली बता पाते हैं कि आपका 95-97% सक्सेस रेट इसमें रहेगा। सर, किस उम्र से लेके किस उम्र तक के पेशेंट को ये ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है? बड़ी उम्र के पेशेंट को ही ज़रूरत पड़ती है तो किस उम्र तक ये ऑपरेशन किया जा सकता है? जो संधिवात के पेशेंट होते हैं उनको 20-25 के उम्र में ही काफ़ी सारे जोड़ों के प्रॉब्लम्स आते हैं। हालांकि हम ये नहीं चाहते कि 20-25 उम्र के व्यक्ति का जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, लेकिन कभी कभी हमें ये करना पड़ता है। इसका मतलब ये कि यंग लोगों के लिए, संधिवात के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है।
अदर एक्सट्रीम जो लोग काफ़ी बुज़ुर्ग होते हैं, कि जैसा इनका एज 80s 90s में होता है, लेकिन हर आदमी का फिटनेस अलग होता है। जो लोगों का फिटनेस हमारे टेस्ट में प्रूव हो जाता है कि अच्छा है, उनके लिए हम किसी भी उम्र में 95-100 के उम्र में भी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कर चुके हैं और विदाउट रिस्क करते रहेंगे। तो सर मैं ये समझूं कि आपका ये कहना है कि इस ऑपरेशन के लिए उम्र कोई बंधन नहीं है, पेशेंट को कितनी तकलीफ है और वो फिजिकली कितना एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वो ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कब करना चाहिए। बिल्कुल, एज इज नो बार, किसी भी उम्र में जोड़ का ऑपरेशन करना संभवित है। इसमें सिर्फ हमें देखना है कि पेशेंट का फिटनेस क्या है उसके लिए। इसके अलावा और एक दो चीज़ें हमें लोग पूछते हैं कि भाई हम ऑपरेशन के बाद में टॉयलेट कैसा यूज़ करेंगे, पलाठी मार के नीचे बैठ सकेंगे या नहीं, हम दौड़ सकेंगे या नहीं। कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो जॉइंट के ऑपरेशन के बाद में आते हैं। हम पेशेंट्स को सब कुछ अलाउ करते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि भाई हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करना अवॉइड कीजिए। सर ये तो ही ऑपरेशन की बात है, पेशेंट को इन ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे उनको? जो लोग यंग होते हैं उन्होंने अपने आप की शुरुआत से देखभाल करना अगर शुरू किया कि वज़न कंट्रोल में रखे, एक्सरसाइज करते रहे, अपना कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंट जब भी लेने की ज़रूरत हो लेते रहे, तो ऐसा हो सकता है कि किसी को कभी जोड़ के ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कुदरती तौर पे काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे हेल्थ में होते हैं। हम देखते थे कि हमारे पेरेंट्स के टाइम में कितने लोगों को जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, हार्डली, क्योंकि वो लोग काम करते थे, वो लोग घूमते फिरते थे, एक्सरसाइज करते थे, ओवरवेट नहीं होते थे। तो अपने आप की देखभाल करें तो हो सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू, धन्यवाद। उल्लासनगर 3 शांति नगर स्थित बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी बच्चन तोमर द्वारा नव निर्वाचित महापौर श्रीमती पंचम ओमी कालानी जी का भव्य स्वागत सत्कार किया गया, जहां पर उन्हें लड्डुओं के साथ तोला गया। आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी मंडल क्रमांक 3 शांतिनगर खन्ना कंपाउंड में आज फुल बॉडी चेकअप का कैंप रखा गया है और वो कैंप में काफ़ी लोग लाभ उठा रहे हैं। और इसी बीच में महापौर मैडम का स्वागत का सत्कार का कार्यक्रम रखा गया था, वो स्वागत भी हुआ। हमारे टीओके के अध्यक्ष संतोष पांडे जी, उनका जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे महापौर को इस तराजू में तौला गया और वजन के तौर पे मोतीचूर के बूंदी के लड्डू से वजन किया गया और वो 71 किलो की थी महापौर मैडम, और 71 किलो मोतीचूर के लड्डू। लोगों ने इस कैंप का लाभ उठाया अभी अभी करीब 25-30 लोग का हो चुका है कैंप में रजिस्ट्रेशन, और अभी 4 बजे तक चालू है। इस कैंप में काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जो कि अभी चेकअप के लिए आने वाले हैं। और हमने मंडल की तरफ से महापौर मैडम को एक पत्र दिया है
एम्बुलेंस के लिए, और हमने दरख्वास्त की है कि हमारे मंडल को एक एम्बुलेंस चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपस में मिल के और सब चर्चा करके डिसीजन लेंगे और 3 नंबर मंडल आ को एक एम्बुलेंस हम जरूर देंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दे दिया। ओके, नवरात्रि उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। माता रानी का आगमन हमारे शहर उल्लासनगर में हो चुका है। अपना उल्लासनगर न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से सभी शहरवासियों को नवरात्रि उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.